अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके साथ दही पकौड़ियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रही है बनाना, लेकिन बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही क्विक और झटपट बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप एक बाउल ले लेंगे और उसमें आप 2 कप दही डालेंगे। 2 कप दही शामिल करने के बाद उसमें आप 1/2 टीस्पून जो है नमक डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 1 टीस्पून चीनी पिसी हुई शामिल कर दें। इससे क्या होगा कि ये नमक को बैलेंस कर देगा और जो दही की अगर तो थोड़ी बहुत अगर उसमें कोई खटास है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लें, अच्छा सा फेंट लें। उसके बाद आपने इसमें भीगी हुई 2 कप पकौड़ियाँ शामिल कर देनी है। इसके अलावा आलू क्यूब कट में बॉईल कर लिया है मैंने इनको, ये भी 1/4 कप शामिल कर देंगे। स्लाइस किए हुए प्याज हैं, ये भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने टमाटर डाले हैं, वो डाल दिए हैं। 1 टीस्पून एक हरी मिर्च थी, तकरीबन 1 टीस्पून बन दी है, वो भी शामिल कर दी। और 2 टेबलस्पून बंद गोभी भरी काट के, वो भी शामिल कर दिया। अब इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और इस पकौड़ियों को सर्विंग डिश में निकालेंगे, अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इस पर चाट मसाला छिड़केंगे, और ये होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिर उसके ऊपर हमने ग्रीन चटनी डाली है और सबसे ऊपर इमली की मीठी चटनी डाली है। ये सब रेसिपीज़ आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर आपको चाहिए तो वहाँ से देख लें। और ऊपर से टमाटर डाल के सर्व करें और इसको इंजॉय करें, ठंडा करके इसको खाएँ। और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नौ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।